लो भाई मिल गया। ये वजह थी जिस वजह से आपका चैनल ग्रो नहीं हो पा रहा था। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्यों आपका चैनल ग्रो नहीं हो पा रहा था। मैंने पकड़ लिया, मुझे पता चल गया, और ये गलती 99% यूट्यूबर करते हैं, आप भी कर रहे हैं। अगर इस वीडियो को आपने पूरा नहीं देखा तो वो गलती आप लगातार अप्लाई करते रहोगे और उस गलती की वजह से आप यूट्यूब पे कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे, बिलीव कर लीजिए। क्योंकि वो तरीका मैं जान चुका हूं जिस वजह से आप लोग यूट्यूब पर आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। मैंने अपने मल्टीपल चैनल्स ग्रो किए, भयानक तरीके से वायरल हुए मेरे वीडियो। कैसे वायरल हुए? क्योंकि जो गलती आप लोग कर रहे हैं मैं वो गलती नहीं करता था, जिस वजह से मेरे वीडियो वायरल हुए। आप लोग वो गलती लगातार कर रहे हो। वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि यूट्यूब पे आपको कैसे जेन्युइन तरीके से ग्रो होना है मैं आपको सिखाता हूं। और भाई इतना ही नहीं, ध्यान से सुनिएगा वीडियो, आज कुछ नया करने वाला हूं क्योंकि मैंने कुछ आप सबके लिए स्पेशल सोचा है। और वो स्पेशल क्या है मैं बता देता हूं। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं बताऊंगा, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तबाही चीज आपके लिए लेके आया हूं, तबाही चीज जिससे आपका चैनल रॉकेट की तरह उड़ेगा, बिलीव नहीं है, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। वायरल ना हो वीडियो फिर मुझसे आप कहिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, जो गलती मैंने नहीं की, मैंने अपने कई सारे चैनल वायरल किए हैं। बगल में आप देख सकते हैं जो इस समय मेरा चैनल जीवित है, मेरा एक चैनल शॉर्ट्स का भी था, बहुत वायरल चैनल था लेकिन डिलीट हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने जीरो से शुरू किया। मैं चाहता तो जीरो से ना शुरू करता। जो मेरे पुराने चैनल देखिए, साइड पे 16,700 सब्सक्राइबर हैं और लगातार इसमें सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, व्यूज भी बढ़ रहे हैं। मैं चाहता तो इस चैनल पे काम करना चालू कर देता और मैं वायरल हो जाता, लेकिन नहीं, शुरुआत जीरो से की है मैंने, जीरो से। जो आप गलतियां करते हो, मैं चाहता तो इस चैनल पे वीडियो डाल डाल के वायरल अपने आप को कर लेता, लेकिन मैंने ये तरीका सही नहीं समझा क्योंकि ये चैनल किसी दूसरे कैटेगरी का है और मुझे आप सबको सिखाना था कि जो मैंने गलतियां की वो आप ना करो, जो और यूट्यूबर्स गलती कर रहे हैं वो आप ना करो। तो जैसे कि मैंने आपसे कमेंटमेंट किया था कि आप एक ऐसी गलती कर रहे हो जिस वजह से आपका चैनल ग्रो नहीं हो पा रहा है, और आपका नहीं, ऐसे ना जाने कितने यूट्यूबर्स हैं जिनका चैनल ग्रो नहीं हो पा रहा, गलतियां कर रहे हैं ना लगातार। वो गलती क्या है ध्यान से सुनिएगा, आप भी कहीं वो गलती ना कर रहे हो। वो गलती है, आप लोग क्या करते हो, जब भी YouTube में वीडियो बनाना चालू करते हो तो सिंपल सी बात है, जिस भी कैटेगरी में आप वीडियो बनाने जा रहे हो आप उस कैटेगरी के लोगों को देखोगे ना, सिंपल सी बात है भाई। आप जिस भी कैटेगरी के वीडियो बनाने जा रहे हो पहले तो आप उनको देखोगे कि वो कैसे वीडियो बनाते हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, उसी तरह हमें भी करना है। इस चीज का साइड इफेक्ट आपके अंदर आ जाता है। पहला साइड इफेक्ट कौन सा है कि आप बिल्कुल वैसे काम करना चालू करते हो जैसे वो कर रहे हैं। तो आप में उनमें क्या डिफरेंस रह गया? आप हैं जीरो में, वो है लाखों में करोड़ों में। तो सिंपल सी बात बताइए, लोग किसको देखना पसंद करेंगे, आपको कि उनको? उनको, क्योंकि जो कंटेंट आप अपलोड करने वाले हैं ऑलरेडी वो पहले से अपलोडेड है, तो क्यों आपको वो देखेंगे? यूट्यूब में कुछ नया चलता है, याद रखिएगा, यूट्यूब में कुछ नया चलता है, वही रिपीटेड कंटेंट नहीं चल पाएगा आपका, आप फेल हो जाएंगे। और वहीं पर एक गलती आपके साथ और होती चली जाती है, क्योंकि आप अपने गुरुओं को देखते हैं ना, जिन भाई जिस विषय में आप वीडियो बनाना चाहेंगे उस तरीके के YouTube में वीडियो आप देखेंगे और वो आपके गुरु हो गए क्योंकि आप उन्हीं के तरीके बनना चाहते हो। तो उनका एक साइड इफेक्ट आता है कि वो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे वो यूट्यूबर, बड़े यूट्यूबर बोलते हैं, बिल्कुल उसी तरह आप भी बोलना चालू कर देते हो। जैसे कि आज की डेट पे सौरभ जोशी वीडियो बनाता है, ना जाने कितने यूट्यूबर उनकी तरह बनना चाहते हैं, तो भैया उनका साइड इफेक्ट उनके वीडियो में भी आ जाता है। जैसे सौरभ जोशी बात करता है बिल्कुल वैसे वो भी बात कर रहे हैं, बिल्कुल एज इट इज, लगेगा बिल्कुल सेम भाई भाई हैं, इस तरीके से बोलते हैं। तो अब आप एक बात बताइए, पब्लिक बेवकूफ नहीं है, याद रखिएगा पब्लिक बहुत चतुर है। अगर आपने किसी को कॉपी किया ना, फेल हो जाओगे, याद रखिएगा। यूट्यूब में ऐसे कोई सक्सेस नहीं होता, YouTube में वही सक्सेस होता है जिसके पास में दम है, याद रखिएगा। सौरभ जोशी की तरीके अगर आप बनना चाहेंगे कभी नहीं बन पाएंगे, उसकी कॉपी करेंगे, उसकी तरीके आप बाल रखेंगे, उसकी तरह आप बोलेंगे व्लॉगिंग में। मैं देखता हूं YouTube पे ना जाने कितने वीडियो व्लॉगिंग के, 100-100, 150-200 वीडियो बना चुके हैं, लेकिन बोल रहे हैं बिल्कुल सौरभ जोशी की तरीके, सेम वैसे ही आवाज, सेम वैसे ही टंग, बोलने का तरीका सेम वैसे ही, कैसे वायरल होंगे आप?
यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो अपने अंदर कोई क्वालिटी लाओ नहीं। यूट्यूब पे नए लोग चलते हैं, नया कंटेंट चलता है, नए तरीके से वीडियो में काम करने वाले लोग चलते हैं, घिस घिस के काम नहीं होने वाला। मैं एक यूट्यूबर की बात बताता हूँ। एक यूट्यूबर ऐसे हैं हमारी कैटेगरी में जिनका नाम है जुन्नू की टेक। बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, अच्छा काम कर रहे हैं नो डाउट, लेकिन उनके पहले के जो वीडियो थे आप देखिएगा जा करके, मैं साइड पे लगा दूंगा, आप देखिए पुराने जो इनके वीडियो हैं, इन्होंने पुराने वीडियो में इस तरीके से ये काम करते थे जैसे कि एक टेक्निकल दोस्त करके चैनल है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो बोलते थे ना, बिल्कुल वैसे ही वो वीडियो में बोलते थे और वो ग्रो नहीं हुए उस समय। I am back. Turn on notification bell. Don't miss updates. तो आ गए आप, कैसे हो? तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप I am back. Turn on notification bell. Don't miss updates. तो आ गए आप, कैसे हो? दोस्तों हमारी टेक्निकल दोस्त। और जब उन्होंने अपने तरीके से वीडियो बनाना चालू किया तब वो वायरल हुए, याद रखिएगा। वरना अब उनके अंदर क्यों टेक्निकल दोस्त जैसी क्वालिटी आ गई? क्योंकि वो टेक्निकल दोस्त के वीडियो देखते थे और देखते 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 ये होता ही है कि जिसके वीडियो आप बहुत ज़्यादा देखोगे ना वैसे ही आप बोलना चालू कर दोगे। तो ये गलती ज़्यादातर यूट्यूबर करते हैं, हो सकता है आप भी कर रहे हो। तो अगर आप ये गलती कर रहे हैं ना, आज से बंद कर दो, अपने तरीके से बोलो। अगर आप रुक रुक के बात करते हो तो आप रुक रुक के बात करो, आप धीरे धीरे बोलते हो आप धीरे धीरे बोलो, लेकिन किसी भी यूट्यूबर की कॉपी नहीं करना, अपने तरीके से काम करना है, अपने तरीके से बोलना भी है। ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं, याद रखिएगा, ठीक है? तो आई होप दोस्तों आपको आज की वीडियो में कुछ ना कुछ तो जरूर पता चला होगा, सीखने को भी मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए। और हाँ, लास्ट में मैंने बोला था ना सरप्राइज है आपके लिए। सरप्राइज ये है कि मैंने एक डिसीजन लिया है, और डिसीजन ये है कि मैंने देखा मेरे चैनल के बहुत सारे वीडियो में कमेंट आए हैं कि सर क्या आप लाइव चैनल को देखते हैं? तो मैंने बोला कि अभी तो फिलहाल मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है, लेकिन आने वाले समय में सोच सकता हूँ। तो मैंने सोचा कुछ नई पहल की जाए जो YouTube में कोई नहीं कर रहा, और वो क्या है? वो ये है कि आप लोग मेरे चैनल पे कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बाद मैं आपके चैनल पे जाऊंगा, आपके कमेंट के माध्यम से आपके चैनल पे जाऊंगा, आपके चैनल के वीडियो को देखूंगा, और देखने के बाद इतना ही नहीं कि एक हफ्ते में किन्हीं तीन चैनलों के बारे में मैं पूरी डिटेल कि वो कैसे काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, क्या उनको सही करना चाहिए, क्या उनको गलत करना चाहिए, थंबनेल कैसे, क्या वो कहां पर जो भी चैनल पे वो गलतियां कर रहे हैं, हर सैटरडे को 5:30 बजे यानी शनिवार को 5:30 बजे वो वीडियो अपलोड होगा, जिस वीडियो में आपके तीन चैनलों के बारे में, कोई भी तीन लोगों के चैनलों के बारे में पूरी डिटेल दूंगा कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या उनकी गलतियां हैं, क्या उनको सही करना चाहिए। इससे आपको पता चलेगा कि आप लोग कितने सही वे में काम कर रहे हैं। तो ये वीडियो तो भैया आपके लिए बिल्कुल अमृत की तरह है, क्योंकि देखिए आज की डेट पर आपको कोई ये बता दे कि आप YouTube पे ऐसे काम कर रहे हो, गलत कर रहे हो, थंबनेल गलत बनाया है, इसमें गलत तरीके से आपने लिखा है, टाइटल गलत डाला है, डिस्क्रिप्शन गलत डाला है, कोई नहीं बताने वाला, किसी के पास इतना टाइम नहीं है। लेकिन मैंने सोचा है कि मैं हर सैटरडे को एक वीडियो बनाऊंगा और आप में से किसी तीन चैनल को उठाऊंगा और उनके चैनल के डीप में जा करके हर एक बात डिस्क्राइब करूंगा कि वो कैसी गलतियां कर रहे हैं जिस वजह से उनके चैनल वायरल नहीं हो रहे, या फिर आप अगर ऐसी गलती कर रहे होगे तो उन वीडियो से आपको सीखने को मिलेगा, और जिसका चैनल है उसको तो सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आई होप दोस्तों आपको आज का वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके भाई का चैनल है। 1000 सब्सक्राइबर जल्दी कंप्लीट कराइए, और 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद एक हम लोग पार्टी करेंगे, कुछ ना कुछ सरप्राइज लेकर के आएंगे आप सबके लिए, आप सबके लिए, याद रखिएगा, खुद के लिए नहीं, आपके लिए कुछ सरप्राइज लेकर के आऊंगा 1000 सब्सक्राइबर पे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, क्योंकि वही कमेंट आपको आगे लेकर के जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी लोग वंदे मातरम बोलना, ठीक है, काटो।